बशीर साहब नमस्कार, स्वागत है सर। फाइनली थोड़ी रिलीफ, थोड़ी सांस लौटी है, जान आई है लोगों के जान में जान, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट दिख रही है। 1300 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स अब नजर आ रहा है, 650 बैंक निफ्टी ऊपर है, तो थोड़ी रिकवरी आती दिखी है। सर बताएं पहले तो आउटलुक क्या, मजबूती और बढ़ेगी? तो देख लीजिए अनिल जी, दो तीन दिन से कह रहा था डंके की चोट पे कि 500 दिन की रह 500 पॉइंट की रैली किसी भी दिन दिख सकती है, इतना ओवरसोल्ड मार्केट है। अभी तो 1300 सेंसेक्स कह रहे हो, पहले 1300 जोड़ो 1500-600-700 में, तो 16800 और 16700 से 16900 तक जाने की पहले आप बात कीजिए। मुझे लगता है वो इतना ओवरसोल्ड और इतना ग्लोबली एक यू नो पेसिमिज्म और मार्केट हैज गॉन इनटू अ बेयर रैली दैट वी हैव टू गेट बैक इनटू रियलिटी। और रियलिटी इज टेलिंग अस दैट वैल्यूज आर गोइंग टू बी गुड, फेड इज गोइंग टू बी अकोमोडेटिव, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू अक्यूमुलेट स्टॉक। आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी, टाइटन 2457 हो गया, 2370 पे का था, बजाज फाइनेंस आपको ठोक के कहा था 6500 का भाव, आज 6500 हो गया, बजाज फिनसर्व 14100 वाला 15200, अंबुजा 285, अल्ट्राटेक 6050, गुजरात गैस 535, चोला मंडरम 640, REC 126, PFC 113, DLF 345, गोदरेज 1490 और BEL 224। तो आपके ये तीन दिन में जिस जिसने माल लिया अगर फियर में तो कमाया। अब आपके लिए दो नहीं तीन पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर बढ़िया, तीन पिक्स एक के बाद एक, बसनी साहब की तरफ से बताएं सर। अनिल जी देखिए, मुझे तो टाटा स्टील पे बहुत बुलिश हूं, बिकॉज आपको एक बात बताऊं, कोरस मेक स्पेशलाइज स्टील विच इज 3 times द प्राइस ऑफ नॉर्मल स्टील एंड इट गोज इन ऑटोज। और जो यूरोप में अभी संबंध है, मेरे को लगता है टाटा स्टील कोरस यूनिट विल स्टार्ट टू मेक एक्सट्रीमली गुड प्रॉफिट फ्रॉम दिस क्वार्टर। प्राइसेस हैव गॉन अप एंड दे आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीट ओवर देयर, प्लस लोकली दे आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एट द लोएस्ट पर एबिटा पर टन, एंटरप्राइज वैल्यू पर टन। तो 1260 पे बेस्ट चांस है, 1230 का स्टॉप लॉस, 1300 से 1310 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा जो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल इक्विपमेंट प्लेयर है, दैट इज हनीवेल ऑटो। और हनीवेल ऑटो के लिए तो अब और बिजनेस बढ़ना है बिकॉज ऑफ दिस होल डिसरप्शन। हनीवेल ऑटो विल गेन मार्केट शेयर ग्लोबली, 39,500 से 40,000 का भाव है, इसका भाव मेरे हिसाब से 47,500 जोना चाहिए। तो आप इसको 39,940 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 39,200, टारगेट ऑफ 42,500, दैट इज माई पिक ऑफ हनीवेल। एंड थर्ड विल बी जो आज गवर्नमेंट ने लैंड मोनेटाइजेशन पे SPV बनानी है, उसका सारा बिजनेस जो है वो NBCC को जानता है, दैट इज द लार्जेस्ट मोनेटाइजेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनी, और आई थिंक उसकी वैल्यूएशन आर गिविंग यू वेरी वेरी बिग कम्फर्ट। एज ए डिस्क्लोजर, NBCC हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में भी है एंड वी आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये 38,538 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 3650, टारगेट ऑफ 45। ओके, तो NBCC दूसरा स्टॉक है जहां पर खरीद, तीसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, तो टाटा स्टील, हनीवेल ऑटोमेशन और NBCC, ये तीन स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। धन्यवाद बसिन साहब, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक शेयर कर